था उनके पाकिस्तान का कह हाल में इस्लाम का लीडर इमरान खान। हौसलों से हो वतन की एक नई पहचान। मैं सवाल ये पूछता हूं कि अगर एक बहसियत माशरा हम इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं करते और इसका मुकाबला नहीं करते, हमारे और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं है। और जब इमरान खान नहीं मानता तो कहते बड़ा जिद्दी है भाई, मेरा अपना पैसा होता शायद मैं माफी कर देता इन चोरों को, लेकिन आवाम का पैसा है ये, क्या गुर्बत है, लोग भूखे मार रहे हैं। 5 करोड़ पाकिस्तानी दो वक्त की मौजूद मुशायर है। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ये मुल्क की हकीकी आजादी के लिए जहाद लड़े। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूं कि लोगों को कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के तहत लोगों को अब जगाना शुरू करें। उनकी सब कुछ उन्होंने जो असूल बनाया हुआ है कि मुल्क चलता कैसे है, अदल और इंसाफ क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, वो आप लोगों को आपको जरूर तब्लीग करनी चाहिए। इस वक्त अभी से ही मैं अपनी हुकूमतों को इंशाल्लाह हमने पिछले साल भी और इस साल भरपूर तरीके से 12 रबीउल अव्वल बनाएंगे, और जब हम 12 रबीउल अव्वल बनाएंगे तो इसी में अपने नौजवानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी आगाह करेंगे, इंशाल्लाह उनके कैरेक्टरों को ऊपर उठाएंगे। और वो मैं एक दिन ख्वाब देखता हूं कि वो वक्त आएगा तो जिस तरह एक वक्त ऐसा था कि इंडोनेशिया और मलेशिया में मुसलमान ताजर जाते हैं तो लोगों ने उनका किरदार देख के, मुसलमान ताजरों का किरदार देख के लोग मुसलमान हो गए। इंशाल्लाह वो भी दिन आएगा जब हमारा पाकिस्तानियों का किरदार देख के लोग इस्लाम की तरफ आएंगे पाकिस्तान से।